बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज का टॉपिक है पॉलिटी का, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। बच्चों हर वीडियो की तरह, हर टॉपिक की तरह इस टॉपिक में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 अनुच्छेद 368, 368। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्य नहीं होगा, आपका आंसर मूल कर्तव्य आ रहा था, आंसर आएगा संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान के वैसे कौन से विषय हैं जिनमें संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है? आपको ऑप्शन इस प्रकार से देना है, इसमें टाइम थोड़ा सा आपको मिलेगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी होगा, संविधान के संघीय प्रावधान ये भी होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया ये भी होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष संपन्न हुआ तथा यह किस विषय से संबंधित था? ১৯৫১ कुछ राज्यों के कृषि भू सुधार से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जब निम्न सदन द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 18 18 था। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। आप मैच किए हैं तो आपका आंसर सही होगा।
86वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको टिक लगाना है। यह संविधान संशोधन 2003 में संपन्न हुआ, ये सरासरी झूठ है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद को पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 44। ओके, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 44। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ऑप्शन डी 24 इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। ए का 3, बी का 5, सी का 4, डी का 1, ई का 2 आप मैच किए हैं, तो आपका आंसर राइट है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 42वें। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3 का ए, बी का 4, सी का 2, डी का 1 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसको टिक लगाना है? अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 93वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC एवं ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध, इसलिए ऑप्शन
डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से अस्पष्टतया क्या परिलक्षित होता है? वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, हम लोग 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।